यू सब गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है मेरे यूट्यूब चैनल का पहला व्लॉग। जी हाँ, तो आज हम लोग आए हैं वोंद गांव में। पहले मैं यहीं रहता था, तो हम लोग फिर शिफ्ट हुए पासो सिटी में। तो फाइनली 8 ईयर्स के बाद हम लोग यहाँ आ चुके हैं। फ़िलहाल मैं हूँ मंदिर में, सब लोग मेरा ऊपर इंतज़ार करें, बट मैं नीचे हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। फ़िलहाल मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है। वैसे आज हमारा प्लान है कि मंदिर घूमने के बाद, शहर घूमने के बाद हम लोग चलेंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने। एक बड़ा सा पेट जो कितनी हाइट तक जाता है मेरे को नहीं पता। हाँ, यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटोज खिंचवाई थी, बहुत मज़ा आ रहा है। इधर मज़ा आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ नाम कैसे और ऊपर जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और आगे जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं घूमने के लिए। हॉट टाइम आता है तो घूमना तो चाहिए ना। तो हमने अपना प्लान थोड़ा सा चेंज किया है, तो अब हम लोग चलेंगे इधर इस जगह पे। इसी जगह जा रहे हैं हम लोग, यहाँ आ चुके हैं। शायद से हमें चप्पल निकाल देते हैं। ये हमारे सामने एक पेड़ देख सकते हो, बहुत ही कूल है। हमने ये गाय के भैंस है, हाँ ये गाय का एक स्टैचू है, इनके साथ दर्शन कर लेते हैं। पहला गु उसके सब एक टीका तो देखो, तो कुछ ट्रैक्टर टाइप पड़ा हुआ है। लोगों के पास भले स्कूटर या फिर गाड़ी आता है, यहाँ के लोग ट्रैक्टर चलाना कभी नहीं भूलेंगे, ये बात तो है। घूम फिर के हम लोग वहीं आ चुके हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। ये देखिए, ये इतना बड़ा ग्राउंड है कि यहाँ पे हम लोग सीरियसली विराट कोहली, धोनी, रोनाल्डो और क्या क्या बन सकते हैं। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर का हम ये प्ले ग्राउंड, ओलंपिक्स ग्राउंड ज़्यादा लग रहा है। एक मंदिर है जिसके दर्शन हम पहले ही कर चुके हैं, और अब हम लोग जाएंगे यहाँ से नीचे। ज़्यादा नीचे नहीं है, कुछ सीढ़ियाँ चल चढ़ के ही जानी है। ये देखो यहाँ पे कोने में रास्ता है जिससे हम नहीं जाने वाले। वो रास्ते मैं दूसरे रास्ते ले जाऊँगा। ये मंदिर घूमने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखो, वो रही एक जगह जहाँ पे दुनिया भर की भैंसें घूम रही हैं। फिलहाल इन सब चीज़ों का एक टूर लेने के बाद मेरा प्लान है कहीं शॉपिंग करने जाना, क्योंकि मेरे को मेरी वीडियो के लिए गेमिंग चेयर चाहिए। नॉर्मल चेयर भी चलेगा, लंबरगिनी चलाई जाने। आपको यहाँ पे दो भैंस दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पे देखो गाइस तो कितना बहुत पूरा घर ही इनका है, और ये इलाका पूरे गायों के लिए। हाँ, इतनी सारी गायों में से दूध निकल जाए ना, तो कभी दूध लेने की, एक साल तक दूध लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मंदिर के बाजू में एक तबीला बना है, ये पता नहीं यहाँ के लोग इसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं। खुले में गायों और भैंसों को छोड़ देना है। तो हमने अपना प्लान थोड़ा सा चेंज किया, हम पहले शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, पर हम लोग आए इस होटल में, मारुति फूड प्लाजा में। हाईवे में एक होटल है, पहली बार आए हैं, कुछ तो खा के जाएंगे। तो हमने सुना है कि यहाँ पे साउथ इंडियन, चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन सब कुछ मिलता है, तो देखते हैं कैसा होता है इनके सर्विसेज और इनका खाना। हम एसी रूम में आ चुके हैं, क्या बात है, बहुत मज़ा आएगा। मैंने ऑर्डर किया मंचूरियन सूप, पनीर टिक्का मसाला और पंजाबी थाली, तो वेट करते हैं। वैसे आज के दिन होटल पूरा खाली पड़ा है, सिर्फ मम्मी पापा और मैं ही हैं। हाँ,
देखते हैं कितनी देर में आता है। अब तक ऑर्डर हुआ नहीं कि मम्मी को घर जाने की फिक्र है। हाँ, अब मम्मी बोल रही मुझे इसी में लेटना है, यहाँ भी एसी लगा हुआ है। प्लान कर रहे हैं कि कब आएगा खाना और खा के हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे। हाँ, जो घर से तो आधे घंटे से मम्मी की सोती हुई शक्ल देख कर फाइनली हमारा मंचूरियन सूप आ चुका है। सूप आ चुका है, चख के देखते हैं, इतना यम्मी लग रहा है। तो हमने अपना मनचाव सूप कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा एपिक था ये। मैंने भी यही खाया था, बट ये इतना अच्छा नहीं था जितना ये वाला है। टिक्का मसाला और हमारा पंजाबी थाली आ चुका है, तो टेस्ट करके देखते हैं। खाना खा लिया है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही एपिक था मनचाव सूप और पंजाबी थाली। हाँ, वहाँ पे और भी लोग बैठे हैं, शायद आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा। घर का नज़ारा देखो ज़रा, बहुत ही सुंदर पहाड़ के सामने होटल, पार्लर भी है और गिफ्ट शॉप, पान पार्लर है यार ये तो। हाँ, पान पार्लर और गिफ्ट शॉप अच्छा होगा, बट हम यहाँ नहीं जाने वाले। बाय द वे, ये जो तुम बाहर इतनी सारी डिशेस देख रहे हो ना, इनमें से एक भी मेन्यू के अंदर नहीं था। मेन्यू तो एकदम अलग ही थी इसके अंदर से, ना इसमें कोई कैपेचिनो थी, ना बर्गर था, ना पिज़्ज़ा था, जलेबी फफड़ा का तो नाम ही मत लो। खाना खाने के बाद हमारा प्लान है अपनी चेयर लेने का। तो हम लोग आ चुके फाइनली अपने घर पे। ये मेरी चेयर आपको दिख रही होगी, एक्चुअली मोबाइल की बैटरी बहुत डेड थी, इसलिए होटल में खाना खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट गए फर्नीचर वाले के यहाँ पे और हम लोगों ने ली ये चेयर। ये सेटअप के साथ बहुत ज़्यादा कूल लग रही थी और कलर एकदम मैच वाला था, इसलिए हमने यही चेयर ली। आप ये पीछे का बैकग्राउंड तो नोटिस कर रहे होंगे, मैं मार्वल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मैंने जितनी ड्राइंग्स बनी मार्वल की वो सारी के सारी मैंने यहाँ पे दीवार पे लगा दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पहला व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा और लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज की इस वीडियो के लिए थैंक, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।